इमरान को जो वर्षा मिला वो बर्बाद मईशत का था। पाकिस्तान की जो मईशत है वो एक ऐसे पांडे, एक ऐसे बर्तन की तरह है जिसका पैंदा खाया जा चुका है। इमरान के होते हुए भी बेसिकली मईशत इन्हीं की चल रही थी। उस जमाने में कहा करता था मेरे पुराने प्रोग्राम उठा गया, इस मुल्क की मईशत का पैंदा पैंदा बॉटम खाया गया। पाकिस्तान की इकोनॉमी अब भी वहां पहुंची हुई है। मैं देखता हूं केड़ा मादा लाल ट्रैक पे लेके आना। ये है जी जकार्ता से इंडोनेशिया, वहां मेरे बड़े प्यारे दोस्त हैं ताहिर चौधरी, मोहम्मद बख्श हैं, ये जकार्ता इंडोनेशिया से। वो कहते हैं शहबाज शरीफ सोलह बाब बतौर वजीर आजम काम करने के बाद एक दो दिन में या चार दिन में रुख्सत होने वाले हैं। इमरान खान के 3.5 साल के मुकाबले में शहबाज शरीफ की 16 माह को आप किस नज़र से देखते हैं, और अगर इमरान हुकूमत को ख़त्म ना किया जाता तो क्या आज हालात मुख्तलिफ होते? नहीं, कुछ ज़्यादा मुख्तलिफ ना होते। सच्ची बात है भाई, उसकी वजह है इमरान ने इनहेरिट की थी एक बर्बाद मईशत। दही सही कसर और चबलों ने पूरी कर दी जिनको पता ही कख नहीं था। लेकिन एक बात मैं बताऊं, इमरान को जो वर्षा मिला वो बर्बाद मईशत का था। और उसके टेक ओवर से पहले मैं ये कहा करता था कि पाकिस्तान की जो इक्तसादी सूरत हाल है, पाकिस्तान की जो मईशत है, वो एक ऐसे पांडे, एक ऐसे बर्तन की तरह है जिसका पैंदा खाया जा चुका है। और जो पिछले 40-45 साल में इकतदार में रहे, इन्होंने वो बर्तन का पांडा खाया। इसमें समुद्र भी डाल दोगे ये खराब हो जाए। तो इसलिए वो इमरान के साथ इनका कोई कंपैरिजन बनता नहीं। इमरान के होते हुए भी बेसिकली मईशत इन्हीं की चल रही। मईशत को स्विच ऑन स्विच ऑफ तो नहीं है, उन्होंने यूं किया बत्ती जल गई, यूं किया बत्ती बंद हो गई। उन्होंने दंद नरेट किया था, वलादत खोखला दीमक ज्यादा मुल्क जिसकी इकोनॉमी उस जमाने में कहा करता था मेरे पुराने प्रोग्राम उठा गया, इस मुल्क की मईशत का पेंदा पेंदा बॉटम खाया गया। सो इसलिए ये बनता नहीं है। इमरान उसमें वो बेहतरीन ला सका जो बिकॉज होमवर्क उनका भी नहीं था। सीधी मोटी बात में आपको, और कोई बेहतरीन लंबी चौड़ी आ भी नहीं सकती थी। पाकिस्तान की इकोनॉमी अब भी वहां पहुंची हुई है। मैं देखता हूं केड़ा मादा लाल ट्रैक पे लेके आना। उसकी वजह है दुनिया का कोई नंबर वन इकोनॉमिस्ट नहीं, टॉप के टॉप 10 इकोनॉमिस्ट भी लिया वो भी कुछ नहीं कर सकते। उसकी वजह है साइंस और टेक्नोलॉजी आज की मईशत में इनका रोल बहुत खौफ। पाकिस्तानी किसान भूखा मर के गर्मी सर्दी लानत हर बर्दाश्त करके कॉटन उगाता है। कॉटन का एक बैरी जहाज जाता है, उनका एक F-16 का पुर्जा उससे महंगा होता है। सो बेसिकली इकोनॉमी जो है ये और तरह की चीज है, ये लल्लुओं और फतुओं का काम नहीं अब रह गया। यहाँ क्या चडियाँ बनियाने तौलिए ये कुछ तो कर रहे हैं हम। इंजीनियरिंग गुड्स का यहाँ तस्वीर कोई नहीं है, इसलिए वो जाने नहीं।